उत्तराखंड की सीमा से लगे नेपाल के कंचनपुर जिले के महेंद्रनगर में महाकाली समाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों के जनप्रतिनिधि, व्यापारी और दूसरी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। महाकाली समाज कार्यक्रम के माध्यम से दोनों देशों के सांस्कृतिक और गोटी बेटी के संबंधों पर प्रगाढ़ बनाने को लेकर चिंतन हुआ। साथ ही भारत और नेपाल के बीच सीमांकन का काम कर रही महाकाली नदी को स्वस्थ रखने, वाटर सपोर्ट को बढ़ावा देने, सही जल संरक्षण पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य आपसी संवाद हुआ। साथ ही महाकाली नदी से लगी भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तावित सूखा बंदरगाह को दोनों देशों के लिए व्यापारिक लिहाज से महत्वपूर्ण बताया गया। महाकाली संवाद में भारत नेपाल मित्रता को बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ाने, वाटर जो स्पोर्ट्स है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर कही। महाकाली नदी में भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता होना चाहिए कि इसमें साहसिक पर्यटन, राफ्टिंग और जो है ये जो बंदरगाह का काम है इसे तेजी से किया जाए, जिससे कि दोनों देशों में जो है कि पर्यटन का बढ़ावा भी हो। महाकाली संवाद के जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, दोनों देशों के जनप्रतिनिधि और दोनों देशों की राजनीतिक कर्मी और संचार कर्मी, व्यवसाय और संचार क्षेत्र के लोगों को हम एक जगह बैठकर महाकाली से हम जिंदगियों को कैसे रोजगारी से जोड़ सकते हैं, एक आर्थिक उत्पादन से हम लोगों को आगे लेके जा सकते हैं। महाकाली से केवल महाकाली के हिसाब से देखना नहीं है कि महाकाली समृद्धि के हिसाब से देखना है।